कविता क्रमांक 14 भल्लगडी दादा कवि शाहीर कुंदन कांबळी जी हे आदि रे आदि सुगी आदि मेघराजन ने कृपा केली रे हे भल्लगडी दादा भलमण दादा। प्यारे बच्चों, आज हमने जो नज्म पढ़ रहे हैं इसमें शायर ने किसान के मुख्तलिफ जज्बात व एहसासात को बयान करने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों, खेतों में फसलें पककर तैयार हैं, जिन्हें देखकर किसान खुश होकर सबसे कह रहा है कि फसलें तैयार हो चुकी हैं। बादल ने हम पर रहम किया है। खेतों में गीत गाने वाले भैया भल्लगडी दादा, सबका भला हो, सबकी तरक्की हो, ऐसा कह रहे हैं। काड़ा माती लाहिरवा सुगन या गंदात सारे चिधुन नव नवती च साझा जाली रे। प्यारे बच्चों, काली मिट्टी से अनाज की सब्ज पोपले यानी छोटे पौधे ऊपर आते हैं। सब्ज पौधों की महक फैल रही है। इस महक से सभी किसान खुश होते हैं। आपको पता है, जब छोटे छोटे पौधे आते हैं जमीन में, तो उस वक्त में एक बहुत बहुत प्यारी खुशबू फैलती है। मानो ये काली मिट्टी नई नवेली दुल्हन किस तरह सजी धजी हो और हरा सब्ज चादर ओढ़ी हो। प्यारे बच्चों, नई नवेली दुल्हन का मतलब ये होता है कि खेतों के अंदर जो छोटी छोटी फसलें होती हैं, वो फसलें बहुत अच्छी नजर आती हैं। वो फसलों को देखकर ऐसा लगता है कि ये साफ सुथरा हरी चादर किसी ने जमीन पर बिछा दी है। उसी को कवि ने हमारे सामने पेश किया है। अगली पंक्ति, नटले घरदार शिवार सारे खेड़े अंगनी सड़सड़त वारे बहु आनंद ने धरती नहाली रे। प्यारे बच्चों, अच्छे हंगाम यानी अच्छी फसल की वजह से सभी खेत किसान तमाम अफराद खुश हैं। आंगन में चलने वाली हवा भी अच्छी महसूस हो रही है। मानो तमाम खुशबू की बारिश इसी जमीन पर हो गई हो। मानो जमीन हंगाम के आने से खुशी में मस्त है। अगली पंक्ति इस प्रकार है, दोन हाथांची किमिया ही सारी साथी लबैले माझे किल्लारी केली देवाने दौलत हवाली रे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि किसान खेतों में मेहनत करते हैं। आपको पता है किसान किस तरह से मेहनत करते हैं। अपनी जान उमाल सब उसमें लगा देते हैं और दिन रात उसमें मेहनत करते हैं अपने दोनों बाजों से। उसी वजह से ऐसा जादुई नजारा है कि हंगाम फसल बहुत अच्छी हुई है। किसानों के साथ सफेद बैलों की जोड़ी है। सफेद बैल जो एक किस्म की जात है, बैलों की एक किस्म की जात है, उसे सफेद बैल कहा जाता है, जो काफी बड़े लंबे चौड़े होते हैं। खेतों में शादा भी है, बहुत ज्यादा फसल है। किसान कह रहा है कि मानो हमारा नसीब हमारी किस्मत इतनी मेहरबान है हम पर कि सारी दौलत इन्हें ही मिली है। काय कमतर ता कोणा लाज धन्यानी आमसे हे राज सांतोरांची संगण उडाली रे हे आली रे आली सुगी आली। आज किसी को भी कोई कमी नहीं है बच्चों। मानो हम दौलतमंद हैं और हमारी भी हुकूमत है। इसी खुशी वाले जज्बात का इजहार यहाँ किया गया है। प्यारे बच्चों, इस कविता को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। विद्यार्थी मित्रांनो, या कवितेच्या भावात पुढच्या भागात खालील प्रमाणे आपण पाहणार आहोत। भल्लगडी दादा,